अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। आज मैं आपको चिकन के सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन के सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले ली बोनलेस, उसको मैंने चॉपर में डाल दिया। इसको अच्छी तरह से इसका कीमा बना लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसका कीमा बना लेना है ऐसे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं एक मिनट में कीमा जो है तैयार हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम प्याज को चॉप कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। प्याज को आप लोगों ने अलग से चॉप करना है क्योंकि प्याज जो है पानी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। देखिए चॉप हो गए ऐसे, आप लोगों ने इसका पानी निचोड़ देना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसका पानी निचोड़ना है अच्छी तरह से। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें पानी निकल रहा है, अगर हम ऐसे डाल देते तो हमारे जो सीख कबाब हैं बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते और जो है मतलब इनका सीख कबाब ना बनते कुछ और ही बन जाता है। इसीलिए इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब इसमें तकरीबन 8 से 10 मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी, इसके अलावा 7 से 8 जो है लहसुन डाल दूंगी, ठीक है। लहसुन डाल देंगे, अदरक आप लोगों ने इसमें यूज़ नहीं करनी, सिर्फ लहसुन डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको चॉप कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कीमा जो कि हम लोगों ने बोनलेस चिकन का बनाया है, कीमा वो डाल देंगे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें अब हम लोग डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हसबे ज़रूरत आप लोगों ने लाल मिर्चों का पाउडर डालना है क्योंकि हरी मिर्चें हम लोगों ने 8 से 10 अदरक यूज़ किए हैं, हसबे ज़ायका। इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें एक मेन चीज़ है हमारे पास ब्रेड क्रम्स, अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दी। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो तमाम मसाले को मैंने मिक्स कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे सीख कबाब। अगर आपके पास कोई स्टिक वगैरह हो या ऐसे चम्मच दे दें और उसके ऊपर आप लोग ऐसे सीख कबाब की शेप ऐसे दे सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप लोगों के पास कोई स्टिक्स हो या कोई और चीज़ हो, जैसे कि अगर किसी के पास ऐसे स्टिक नहीं होती पतली सी तो आप लोग इसे चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने चम्मच लेना है और इसकी जो नोक होती है उस पर ऐसे आप लोगों ने करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे सीख कबाब बहुत ही जल्दी तैयार होंगे। तमाम मैं ऐसे बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तमाम सीख कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। सीख कबाब को रखे आधा घंटा हो चुका है, अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई के लिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर डालेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा हम लोग फैला लेंगे ऐसे चम्मच की मदद से, उसके बाद इस पर हल्के हाथों से रखते जाएंगे एक एक सीख कबाब। और उस वक्त तक आप लोगों ने साइड चेंज नहीं करनी जब तक कलर चेंज ना हो जाए, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि थोड़ा सब्र किया करें, जल्दी ना किया करें। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नीचे से कलर चेंज होने लग गया है, अब हम आराम से इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कलर आ चुका है, तमाम की ऐसे साइड चेंज कर दें, तमाम की साइड मैंने चेंज कर दी है। तमाम फ्राई करके आपको मैं दिखाती हूँ, तमाम सीख कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फाइनल लुक आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।